हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ अ लिस्ट इन HTML लैंग्वेज के अंदर हम लिस्ट को किस तरह यूज़ करते हैं और उसकी टाइप्स क्या क्या हैं। आज हम इस टॉपिक में, इस ट्यूटोरियल में ये हम सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए एजुकेशन ऑनलाइन को, ठीक है, और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ अ लिस्ट इन HTML लैंग्वेज, ठीक है। इसकी सबसे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। HTML के अंदर हमारे को 3 किस्म की लिस्ट मिलती है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर, एक नेस्टेड, ठीक है। इसको मैं लाइव आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसके टैग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अपने VS कोड ओपन कर लेते हैं। ये मैं VS कोड के अंदर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो होती है OL। OL से आपको मिलेगी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसका ये टैग हमने लिया, एंटर करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे LI। LI जो होता है ना वो होता है लिस्ट आइटम। ये हम जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ पाकिस्तान लिख दिया, ठीक है। एक और LI ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है। एक और ले लेता हूँ मैं LI, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अमेरिका लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये मैंने OL लिया, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट है ये। अब मैं इसको जाके ब्राउज़र पे चेक करता हूँ तो इसका कुछ आंसर इस तरह से आ रहा है, 1 पाकिस्तान, 2 इंडिया, 3 अमेरिका, ठीक है। ये होती है ऑर्डर लिस्ट। हम जितना चाहें इसको और लिख सकते हैं आगे, जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे और पेस्ट कर दूं तो आप रिज़ल्ट देखिएगा, ये और आता रहेगा, ठीक है। ये होती है ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर के लिए क्या करेंगे, हम ओ की जगह हम यू लिख देंगे तो ये अनऑर्डर हो जाएगी लिस्ट। अनऑर्डर मतलब अभी इसमें देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये 1, 2, 3 नंबर वाइज आ रहा है। अब मैं देखिएगा, अब ये बुलेट्स में आ रहा है, ये अनऑर्डर होगा, यानी कि इसको गिनती अब पता नहीं है, वरना ये गिन के हमें दे रहा था कि भाई 1, 2, 3, 4 ऐसे दे रहा था। ये होती है ऑर्डर लिस्ट जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, और ये अनऑर्डर होती है, ठीक है। अब जो होती है वो तीसरी जो टाइप होती है वो होती है नेस्टेड लिस्ट। वो क्या होती है, जैसे UL है ना, इसी के अंदर एक और लिस्ट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने एक UL बनाई अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर मैंने दो दे दिया पाकिस्तान और इंडिया, बल्कि मैं यहाँ से इंडिया को भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ पाकिस्तान बनाया। अब मैं इसके अंदर एक और दे देता हूँ OL, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ LI, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कराची लिख लिया मैंने। इसके अंदर एक और लिखता हूँ मैं इस्लामाबाद, ठीक है। इसके अंदर एक और लिखता हूँ मैं, इसके अंदर और क्या लिखूँ, और लिख लेता हूँ मैं हैदराबाद लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने 3 लिख लिया। अब ये क्या हुआ, अनऑर्डर लिस्ट है पहले, फिर उसके अंदर पाकिस्तान है, फिर उसी के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट है, फिर उसके अंदर ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ आंसर आप देखिएगा, देखिए पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ये अंदर आ गई, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, इस तरीके से ये हो जाती है हमारी नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर वो होती है जिसमें हमें वो 1, 2, 3 नहीं आती, और ऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें 1, 2, 3 वो हमें नंबर वाइज देता है, और नेस्टेड लिस्ट वो होती है जो हमें लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मिल जाती है, वो होती है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये चैनल आपके लिए है। और यहाँ पे मैंने एक से एक वीडियो बना के रखी है सारी HTML की लैंग्वेज पे, और आगे भी मैं आपके लिए नए नए कोर्सेज लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दी, अल्लाह हाफिज़।